हमको तो पहले से ही बोल दिया गया था कि जब इन्हों इनिंग स्टार्ट होगी, जब आपके हाथ में नया बॉल आएगा, आपको दो ओवर से ज्यादा नहीं मिलेगा। 1974 में दो नए खिलाड़ियों ने टीम में जगह बनाई। ये भी मध्यम तेज गेंदबाज थे जो बैटिंग कर लेते थे। आबिद अली और एकनाथ सोलकर की जोड़ी की तरह एक दाएं हाथ का गेंदबाज था मदन लाल और दूसरा बाएं हाथ वाला करसन घावरी। उस वक्त इन्होंने उसकी टीम के अंदर चार वर्ल्ड क्लास क्वालिटी स्पिन बॉलर्स थे, उसके ऊपर ज्यादा भरोसा था। और ज़्यादातर जो विकेट्स थे वो स्पिनर के लिए बनाए जाते थे, पर यह है कि एक ऐसा फास्ट बॉलर के बगैर आप टीम बन भी नहीं सकती। हमको तो पहले से ही बोल दिया गया था कि जब इन्हों इनिंग स्टार्ट होगी, जब आपके हाथ में नया बॉल आएगा, आपको दो ओवर से ज़्यादा नहीं मिलेगा। Here's Ghavri's first ball in test cricket and it goes to Fredericks. दो ओवर आपको मिलेगी, दो ओवर सामने से मदन लाल डालेंगे, चार ओवर में आपका स्पेल इज ओवर। मदन लाल टू फ्रेडरिक्स। अड़चने जरूर आती थी, पर उसके साथ साथ हमने ये तय कर रखा था कि विकेट्स तो निकालेंगे ही निकालेंगे। फास्ट बॉलिंग हमारा पहला डिपार्टमेंट था, दूसरा डिपार्टमेंट हमारा बैटिंग था। मदन लाल और करसन घावरी लगभग एक साथ ही टीम में आए थे और करीबी दोस्त भी बन गए थे, लेकिन अगले कई साल काफी बार उनमें से एक ही टीम में चुना जाता था। घावरी 75-76 के न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के दौरे में सेलेक्ट नहीं हुए, वहीं मदन लाल 1977 में ऑस्ट्रेलिया के दौरे के बाद चार साल टीम से बाहर रहे। That time I was the highest wicket taker in two test matches. 9 विकेट मैंने निकाले थे, पर एज ए ऑलराउंडर मैं खेल रहा था, तो मेरी बैटिंग के लिए भी रन करना बड़े जरूरी थे मेरे लिए, तो वो मैं रन कर नहीं पा रहा था। मेरा बुरा टाइम था वो टाइम। मदन लाल गर्मियों में इंग्लैंड में जाके खेलते थे, जहां उन्होंने अपने कौशल में सुधार किया, अलग अलग परिस्थितियों में बॉल डालना सीखा, बैटिंग में भी सुधार आया। वहीं दूसरी ओर घावरी ने मीडियम पेस के साथ साथ पुरानी गेंद से स्पिन भी डालना शुरू किया। There was a test match in 1976 against England. Bishan Bedi himself was a captain. तो कुछ छोटी मोटी इंजरी की वजह से उनको अंदर जाना पड़ा, तो नेचुरली उसको कैप्टनशिप सुनील गावस्कर को बोला कि आप संभालो अभी, और सुनील ने बॉल मुझे दिया। He said, "Karsan, you ball spin." साथ ही आठ ओवर में स्पिन बॉलिंग मैंने की, आई गॉट 5 विकेट्स। बिशन सिंह बेरी बाहर आए और मुझे बाहर ही पकड़ा उन्होंने, बोले कि आज के बाद स्पिन बॉलिंग करना छोड़ दो तुम, बोले कि तुम अगर 5 विकेट लेने लगोगे तो मैं क्या करूँगा। जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ, अवेलेबल अक्रॉस ऑल डिवाइसेस।